नमस्कार, घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बुलेटिन में होंगी देश और दुनिया की तमाम वो खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है, जिन्हें आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। वो खबरें भी हम दिखाएंगे जो दिन का एजेंडा सेट करेंगे। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले दिखा देते हैं आपको बुलेटिन की कुछ झलकियां। सामने आ गया है एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के घर काल संतोष पूजा का वीडियो, और साथ ही जेएनयू में आधी रात को क्यों मचा बवाल ये आपको दिखाएंगे। बेरूत में ब्लास्ट में हुई बर्बादी का नया वीडियो सामने आया है, और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। बुलेटिन की शुरुआत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले से। सुशांत का एक नया वीडियो सामने आया है, ये पिछले साल अप्रैल का दरअसल वीडियो है। वीडियो में सुशांत अपनी बहन और बहनोई के साथ पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नासिक से पूजा कराए पंडित के मुताबिक सुशांत के घर उस रोज काल सर्पदोष की पूजा हुई थी, और ये वीडियो सुशांत के बांदा वाले उसी घर का है जहां सुशांत अपनी मौत से पहले रह रहे थे। भगवान शिव के भजन गाए जा रहे हैं। भजन मंडली के साथ एक्टर सुशांत सिंह राजपूत भी भजन गाते हुए भक्ति से भाव विभोर नजर आ रहे हैं। गणपति पापा की भी आराधना हो रही है। हाथ जोड़े सुशांत भी अष्ट विनायक की भक्ति में लीन भजन गा रहे हैं। पूरा माहौल भक्तिमय है। अगरबत्ती और धूप बत्ती से पूरा घर सुवासित है। भगवान के सामने भोग के तौर पर लड्डू, मिठाइयाँ, फलों, काजू, मेवे और अन्य सामग्रियां प्रचुर मात्रा में नजर आ रही हैं। पूरा माहौल वैसे ही है जैसे आम घरों में पूजा के दौरान होता है। सफेद धोती में सुशांत पूजा पर बैठे हैं। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका और जीजा जी हैं। प्रियंका के बारे में कहा जा रहा है कि वो सुशांत की सबसे करीबी थीं। सुशांत उनसे हर बात शेयर किया करते थे। सुख हो या दुख, प्रियंका हमेशा सुशांत के साथ नजर आती थी। ये वीडियो 9 अप्रैल 2019 का है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो उस वक्त का है जब सुशांत सिंह राजपूत के लिए काल सर्प दोष की पूजा की जा रही थी। ये वीडियो बांद्रा वाले उसी घर का है जहां सुशांत की मौत हुई। पूजा कराने के लिए नासिक के त्र्यंबकेश्वर से 13 पंडित आए थे जिन्होंने रुद्राभिषेक कराया था। वीडियो में रिया कहीं नजर नहीं आ रही हैं। सुशांत की बहन प्रियंका और उनके बहनोई के अलावा कुछ करीबी इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। सुशांत के परिवार के बीच रिया का ना होना सवाल खड़े करता है। ऐसा कहा जा रहा है कि रिया को सुशांत के घर वालों का आना जाना पसंद नहीं था। आरोप है कि रिया ने प्रियंका के साथ सुशांत की लड़ाई कराने की भी कोशिश की थी। सुशांत पूजा के दौरान काफी खुश नजर आ रहे थे। जिस तरह के मानसिक तनाव की बात कही जा रही है तब वो इससे पूरी तरह मुक्त नजर आ रहे हैं। सुशांत के घर वालों की माने तो सुशांत भगवान शिव के भक्त थे। अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने शिव जी का एक पोस्ट भी शेयर किया था। उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी 7 अगस्त को भगवान शिव की एक तस्वीर ट्वीट करते हुए हर हर महादेव लिखा था। कैसी विडंबना है, साल भर पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक एक उभरते सितारे की जिंदगी में तूफान आया और वो सितारा रहस्यमय तरीके से गुम हो गया। अपने पीछे छोड़ गया कई रहस्यमय सवाल। श्रुति बरजात्या, मुंबई, आज तक। सुशांत के घर पूजा कराने के लिए नासिक से पंडित आए थे। पूजा कराने आए पंडित ने आज तक से खास बातचीत की। उनका ये कहना था कि सुशांत को देखकर ही नहीं लग रहा था कि वो सुसाइड कर सकते हैं।
और आप लोग कितने लोग सुशांत के घर पे पूजा के लिए गए थे? सुशांत के घर में टोटल 11 लोग गए थे पूजा के लिए। आप लोग बांद्रा गए थे पूजा करने के लिए उनके घर पर? बांद्रा में कैपरी हाइट। ओके, कौन सी पूजा थी ये? ये रुद्राभिषेक पूजा थी। आपने जो यूट्यूब पे डाली है पूजा, वो आप लोगों ने ही डाली है? बिल्कुल, मेरा स्वयं का है। ओके, उसमें काल सर्प पूजा लिखा है, तो ये पूजा किस लिए होती है? नागों का काल सर्प का पूजा कर दिया गया था साथ में। ये पूजा किस लिए की जाती है? ये पूजा इसलिए की जाती है कि हमारे जीवन में जो भी कुछ, नौकरी में, व्यापार में, विवाह में, किचन में, संतान में जो भी कुछ परेशानियाँ आ रही है, उसके निवारण के लिए ये पूजा की जाती है। कितने लोग पूजा करने गए थे और कितने लोग शामिल हुए थे? टोटल इसमें 13 पंडित जी थे, है ना? सुशांत की बहन और सुशांत के जीजा जी, सुशांत जी के। आपको नाम ध्यान होगा कौन सी बहन थी? उनका नाम नहीं होगा, नाम मुझे पता नहीं है ना कौन सी बहन है। अच्छा, आप वीडियो जो डाला है उसमें आप देख के पहचान सकते हैं। अच्छा, आप कब गए थे पूजा करवाने, कौन से साल में गए थे? ये 2019 में अप्रैल का टाइम पे। अच्छा, वहाँ पे तब रिया या कोई और लड़की भी थी? रिया कौन क्या, हम कुछ जानते नहीं है। अच्छा, कितने घंटे की थी आपकी पूजा? ये पूजा हमारी पकड़ लीजिए 10 बजे से, मतलब 4-5 घंटा पकड़ लीजिए। अच्छा, तो आपने एक ही पूजा कराई है, उसके अलावा और भी पूजा करवाई है सुशांत के यहाँ? एक ही पूजा कराई है। ओके, और कोई दोष वोष सुशांत को था जो जिसके कारण हुई ये पूजा? नहीं, उसकी कोई जानकारी नहीं, कोई दोष नहीं था, केवल शिव जी का रुद्राभिषेक हुआ था, इतनी जानकारी है। अच्छा, ओके, तो कैसी रही पूजा और जब सुशांत से आपकी मुलाकात हुई तो क्या बातें हुई? बातें कुछ नहीं हुई, उन्होंने पूजा के बीच में किसी प्रकार की हम लोग कोई बातें नहीं करते हैं। सो आप जब सुशांत से मिले तो आपको कैसा महसूस हुआ, मतलब कैसा इंसान लगा आपको? बहुत ही खुश मिजाज इंसान, बहुत बोलते हैं ना कि विश्वास नहीं होता कि वो इंसान ऐसा कर सकता है ना। तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि आपको विश्वास क्यों नहीं होता, मतलब क्या उसका उसका ऐसा उसका कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जब हमने उन्हें फर्स्ट टाइम देखा है ना, क्योंकि जब हम लोग पूजा करने गए थे उनके यहाँ है ना, तब हमें पता नहीं था कि वो सुशांत जी के यहाँ जा रहे हैं, है ना। इतना पता था कि वो सुशांत जी के है ना। अच्छा, वहाँ जाने के बाद पता चला। दूसरी बात, मतलब पूजा में बढ़िया मन प्रसन्न हो गए, है ना, बढ़िया मन प्रसन्न होकर हंसते खेलते वो पूजा कर रहे थे, है ना, जिसके कारण हमको ऐसा लगा कि हमारे खुद के परम विचार है। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।